हेलो एवरीवन, क्या आपके भी आलू के वेफर्स मार्केट जैसे नहीं बनते? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू वेफर्स की रेसिपी। एकदम बाजार जैसे क्रिस्पी और क्रंची आलू वेफर्स बनाने के लिए मैं आपके साथ एक सीक्रेट और कुछ टिप्स शेयर करूँगी, जिससे एक ही बार में आपकी भी वेफर एकदम बाजार जैसी परफेक्ट बनेगी। अगर आपको होममेड वेफर्स का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप इन वेफर्स में फ्लेवर्स डालकर और भी अलग अलग वेराइटीज़ बनाकर आप अपना एक अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और ये वेफर्स सिर्फ 10 मिनट में बन जाते हैं। आप बच्चों को बाहर के वेफर्स देने से अच्छा है कि ये घर के होममेड वेफर्स दो। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम करने रखा है। जब तक हमारा तेल गरम होगा तब तक हम हमारे बाकी की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो के आसपास आलू लिए हैं। ये रेड वाले आलू है, ये स्पेशली वेफर्स के लिए मिलते हैं और इससे ही वेफर्स एकदम अच्छी बनती है। मार्केट में भी वेफर्स बनाने के लिए ये आलू का ही यूज़ किया जाता है। अब ये हमारा नॉर्मल वाला आलू है, इसके भी वेफर्स बनते हैं बट वो थोड़े टाइम के बाद नरम पड़ जाते हैं। अब मैं आपको आलू को छिलकर दिखा रही हूँ। इसका छिलका भी लाल है। अब मैं आपको इसका भी छिलका दिखा रही हूँ। आप दोनों छिलकों को देखकर समझ ही गए होंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है। ये रेड वाले आलू आपको आराम से बाज़ार में मिल जाएंगे और ये भी सस्ते ही मिलते हैं। जो हमारे नॉर्मल आलू की प्राइस होती है उससे कुछ 5-10 रुपए ज़्यादा ही होगी, इससे महंगे ये नहीं मिलते। हम सभी आलू को छील लेंगे और उसे एक अच्छे पानी से धो लेंगे ताकि उसके ऊपर जो भी मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। आलू को धोने के बाद इसे किचन टॉवल से अच्छे से पोंछ लेंगे। तो बस हमारे आलू रेडी है वेफर्स के लिए। अब एक कटोरी में हम 1 चम्मच जितना नमक लेंगे और उसमें मैं 4 से 5 चम्मच जितना पानी डाल दूंगी और मिक्स कर लेंगे। इसका यूज़ मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में। अब मैं यहाँ पे एक आलू को घिस के बता रही हूँ आपको। आप अगर इस तरह का स्लाइसर लोगे तो इस स्लाइसर में आलू अच्छे से नहीं घिसते, एक साइड से मोटे और एक साइड से पतले होते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। आप किसी भी स्लाइसर का यूज़ करो, आपकी जो आलू की स्लाइस है वो चारों तरफ से एक जैसी होनी चाहिए, कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हो मैंने डिश में रखा है ताकि आपको समझ में आए ये एक साइड से पतली एक साइड से मोटी है। अब मैं आपको इस स्लाइसर में आलू की स्लाइस करके बताती हूँ। अगर आपकी आलू की स्लाइस चारों साइड से एक जैसी होगी तभी आपके वेफर्स एकदम अच्छे बनेंगे, नहीं तो वो कहीं से ज़्यादा पकेगी और कहीं से कम पकेगी। आप ये वाली स्लाइस देखिए, ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली है, चारों साइड से ये एक जैसी है। इसे डिश में भी रखा है मैंने तो ये कहीं से पतली मोटी नहीं लग रही है, ये एकदम परफेक्ट है। बस इतनी ही मोटी हमें आलू की स्लाइस को रखना है। आप सारे आलू को एक साथ भी घिसकर रख सकते हो, ये आलू बिल्कुल भी काले नहीं पड़ते। हम इसमें एक एक करके सारी स्लाइस डालेंगे, एक साथ सभी स्लाइस को नहीं डालेंगे, नहीं तो ये तेल में आपस में एक दूसरे को चिपकेंगे और हमारी वेफर्स एकदम सॉफ्ट, कहीं कोई वेफर ज़्यादा पकेगी कोई वेफर सॉफ्ट पकेगी ऐसा होगा, इसलिए हम इसे एक एक करके डाल रहे हैं। और ये वेफर्स बिल्कुल भी काले नहीं पड़ते। आप चाहे 1 किलो वेफर बनाओ या 10 किलो वेफर बनाओ, आप एक साथ इसे स्लाइस करके रख देना और बाद में इसे एक साथ डीप फ्राई करना। एक साथ मतलब थोड़ा थोड़ा करके डीप फ्राई करना, ये काले नहीं पड़ेंगे। और वेफर्स को तलते समय गैस की फ्लेम को हाई ही रखना है। अगर आपको लगे कि आपका तेल ज़्यादा गर्म हो गया है, वेफर्स जल रहे हैं, तो आप मीडियम फ्लेम पर कर सकते हो। वेफर्स थोड़ा सा एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, हम इसे पलटी कर लेंगे। बस हमें इसी तरह से इसे पलटी करना है और फ्राई करना है। अभी इसके ऊपर बहुत सारे बबल्स हैं। अब 2 से 3 मिनट बाद इसके बबल्स कम हो चुके हैं। हम इसके ऊपर 1 चम्मच जितना जो हमने नमक का पानी बनाया था वो डाल देंगे। जब आप नमक का पानी तेल में डालोगे तब हल्के से छींटे उड़ेंगे और थोड़ी सी आवाज़ आएगी, लेकिन वो नॉर्मल है, उससे कुछ नहीं होगा। सिर्फ आपके वेफर्स को एक फ्लेवर आएगा नमक का। अगर आपको नहीं डालना है तो आप बाद में वेफर्स फ्राई होने के बाद ऊपर से नमक को डाल सकते हो। और अगर ये वेफर्स आपको उपवास के लिए बनानी है तो आप नॉर्मल नमक की जगह सेंधा नमक का यूज़ करना, तो आप इस वेफर्स को उपवास के टाइम पर भी खा सकते हो। बस हम वेफर्स को पलट कर फ्राई कर लेंगे।
तो हमारे वेफर्स फ्राई होने में 5 से 6 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगेगा। ये वेफर्स एकदम मार्केट जैसे बनते हैं, क्रिस्पी, क्रंची और टेस्टी। आप इन वेफर्स को बच्चों की बर्थडे पार्टी या फिर किसी और भी ओकेजन के लिए बना सकते हो, और इसे एक बार बनाकर आप इसे 15 से 20 दिन तक आराम से स्टोर भी कर सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बच्चों को बाहर के वेफर्स या ऑयली फूड देने से अच्छा है कि हम उन्हें घर पर ऐसा कुछ होममेड और बाज़ार जैसे वेफर्स वगैरह बना के दे। तो बस हमारे वेफर्स भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, मैं इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लूँगी। तो इस रेसिपी में जो सीक्रेट चीज़ है वो है रेड वाला आलू, जिससे वेफर्स एकदम क्रिस्पी, क्रंची और मार्केट जैसे बनते हैं, और उनका कलर भी मार्केट जैसा ही आता है। बस हम वेफर्स को ठंडा कर लेंगे। अब मैं आपको दूसरी वाली वेफर्स दिखा रही हूँ, जो हमारी पतली और मोटी थी एक साइड से, जो गलती हमें नहीं करनी है। आप देख सकते हो ये वेफर्स थोड़े पतले और मोटे हैं, ये जले तो नहीं है, ये अच्छे ही बने हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़े से एक साइड से ज़्यादा पके, एक साइड से कम पके, अनइवन कुकिंग है ये। और आप इन वेफर्स को इस तरीके से डायरेक्टली ऑयल में भी स्लाइस करके डाल सकते हो, लेकिन ये हमें बहुत केयरफुली करना होता है, क्योंकि हमारा तेल बहुत गर्म होता है तो उसके छींटे उड़ने के चांसेस है। और इसकी सेकेंड चीज़ कि ये इस तरीके से कढ़ाई में चिपकता है, तो इससे बेस्ट है कि आप एक ही साथ सारे आलू स्लाइस को स्लाइस कर लो और फिर बाद में एक साथ उसे डीप फ्राई करो, वही बेस्ट तरीका है और आसान तरीका है। वैसे भी हमारे आलू तो काले पड़ने वाले हैं नहीं, तो हम इतनी मगजमारी क्यों करें, रिस्क क्यों लें। आप देख सकते हो एक साथ कितने सारे स्लाइसेस चिपक गए हैं। अब मुझे इसे एक 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 करके निकालना पड़ेगा, तब जाके ये वेफर्स अच्छे बनेंगे, नहीं तो ये एकदम सॉफ्ट बनेंगे, कुछ पकेंगे और कुछ कच्चे रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप एक साथ स्लाइस करो और आराम से इन्हें डीप फ्राई करो, और ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। अब मैं इन्हें फ्राई कर लेती हूँ। अगर आपका आलू वेफर से रिलेटेड, इस रेसिपी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको इन वेफर्स में वैरायटी या फ्लेवर्स चाहिए तो वो भी बताना, उसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे वेफर्स को फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हो मैंने आधा किलो आलू से कितने सारे वेफर्स बनाए हैं। आप भी सिर्फ 15 से 20 रुपए में अपने पूरे परिवार के लिए वेफर्स बना सकते हो। तो ये थे आलू वेफर्स की पूरी कहानी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।